उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट हंटिंग बाय कैटेगरीज मेथड। अब हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं बाय रैंडम सिंबल्स। तो सिंबल्स के जरिए हम आज हंटिंग करेंगे और उसमें जो है हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे कि कोई हैवी वेट ना हो, ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आइटम ना हो। इवन के कोशिश करेंगे कि 1 kg से कम हो, 1 kg से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस प्रोडक्ट की जो है वो डायमेंशन ना हो। डायमेंशन से मेरी बात यह है कि उसकी प्रोडक्ट की डायमेंशन ज़्यादा ना हो, ठीक है, कम से कम डायमेंशन हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा डायमेंशन होती है फिर दराज जो है उसी के लिहाज से आपकी डिलीवरी चार्जेस चार्ज करते हैं, ठीक है। और नो फ्रेजाइल, ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि फ्रेजाइल आइटम ना हो, कोई टूटने वाला आइटम ना हो, ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि वेरिएशंस ना हो, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी शूज़ की। तो और कम से कम कोशिश ये करेंगे कि मिनिमम जो है 300 से लेके 3000 तक के वो आइटम होना चाहिए, ठीक है। कि अमूमन ये होता है कि ऑनलाइन मार्केट में जो है कस्टमर जो है 3000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सोच समझ के खरीदता है, ठीक है, और उसकी सेल्स भी आती है कम, ठीक है। तो दराज पे कम से कम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का आइटम हो, इससे ऊपर ना हो। और कम से कम कोशिश ये करेंगे 300 का आइटम हो। 300 का आइटम क्यों? क्योंकि अगर आप 100-200 वाला आइटम सेल करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट कोई नहीं बचता, इवन के 300 वाले आइटम में भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं बचता। लेकिन यह है कि हम 300 से स्टार्ट कर सकते हैं तो हम 300 से 3000 के रेंज में रहेंगे। आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा हम आज की वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेटर। इससे बाद जितनी भी वीडियो थी हमने हंटिंग क्राइटेरिया देखा था, तो आज की वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट समझने के कंक्लूजन होगा कि आज हम लोग पूरा देख लेंगे हंटिंग जो है किस तरीके से होती है, यानी कि आज हमारा हंटिंग का जो है वो फाइनल स्टेप है। ये वीडियो देखने के बाद जो है पूरा हंटिंग करना सीख जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने रैंडम सिंबल के मेथड पे। तो दराज और पीके खोल लेंगे। और रैंडम सिंबल से मुराद क्या है कि आप कुछ भी सिंबल शिफ्ट दबा के अगर मैं 8 प्रेस करूंगा तो आपका एस्टेरिक आ रहा है, तो एस्टेरिक दबा के हम इसको एंटर कर देंगे। आप कुछ भी सिंबल एस्टेरिक प्लस माइनस परसेंटेज हाइफन हैशटैग के कुछ भी आप जो है सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाला सिंबल मैंने प्रेस किया, ये लोडिंग दे रहा है। इस सिंबल से होता है क्या, इस सिंबल से ये होता है कि आपको दराज रैंडम प्रोडक्ट्स शो कर देता है। अब आप कुछ आइटम्स आपका जहन में ही नहीं आ रहे तो डिफरेंट सिंबल्स पुट करने से क्या होगा, दराज का AI कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक सर्च करके आप देगा। अभी देख सकते हैं कि मैंने रैंडम सर्च किया है तो मेरे पास ऑलमोस्ट 11 lakh प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे सामने आ रही हैं, ठीक है। और एक पेज पे 40 प्रोडक्ट होती हैं और पेज देखें 102 से प्लस जा रहे ऊपर, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई पर 102 कर लें आप, इतने प्रोडक्ट मुझे उसने शो कर दिए। अब देखें ये आपके पास ऑटोमेटिक जो है वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब आपको आप इसमें से देख सकते हैं आपकी नीच क्या है। मैंने आप लोगों को नीच डिसाइड करना सिखा दी थी, अब आप अपनी नीच में देखें आपको क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। आप इतनी ढेर सारे प्रोडक्ट आपके सामने आ रही हैं। आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये वॉच है, ये खोल लेते हैं, और ये ज्वेलरी अच्छी लग रही है, खोल लेते हैं। इसके अलावा ये कैमरा है, ये खोल लेते हैं। और नीचे अगर हम आके देखें तो यहाँ पे आप थोड़ा और नीचे आके देख लें, हम सेकंड पेज पर आ जाते हैं। सेकंड पेज पर देखें ये आप लोगों को यानी इतने ढेर सारे आइटम्स जो हैं वो आपको रैंडम सिंबल्स में मिल जाते हैं जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है, जो आप सोच भी नहीं सकते उनका नाम क्या है। तो ये रैंडम सिंबल्स का फ़ायदा होता है कि जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होता वो आइटम्स आपको रैंडम सिंबल्स पर डाल के मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि इतने यूनिक आइटम के मुझे भी नहीं पता ये है क्या आइटम्स है, जैसे कि ये हो गया क्या है, यानी कि इतने कोई ट्रेंडिंग आइटम्स भी मिल जाते हैं आप लोगों को रैंडम सिंबल से सर्च करने से, ठीक है। तो ये लोडिंग लेयर है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हम ये प्रोडक्ट ले रहे थे पेन किया है, ठीक है। अब मैंने रैंडम आप सेम आपने क्या करना है, आपने सिंबल ट्राई किया, अब आप एक्सप्लेनेशन मार्क डालकर ट्राई कर लें, ठीक है। आप कोई भी सिंबल @ #, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सिंबल डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंबल डाल के दिखा दिए, आप इस तरीके से आपने जो है सिंबल से सर्च लेना, तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग बाय रैंडम सिंबल मेथड, ठीक है। अब हमने जो है वो प्रोडक्ट खोल लिया, अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। रैंडम सिंबल्स हम लोगों ने देख लिया, अब मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि आपने कोशिश करना है कि हैवी वेट ना हो, डायमेंशन ये हो, फ्रेजाइल ना होना चाहिए, वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम इस रेंज में हमने सेलेक्ट करना है आइटम। और फिर मेन चीज़ है कि प्रॉफिट कैलकुलेटर हम किस तरह से निकालना, तो ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, एक्सटेंशन आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होंगी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आखिरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अभी देखें ये हमारा प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, 3000 से कम है, हम इसमें जा सकते हैं। तो वो चीज़ें हमने देख लेनी है, मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। ये देख लें हैवी वेट क्या है, नहीं वेट नहीं है। डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 0.5 kg इसका वेट होगा मुश्किल से। फ्रेजाइल है, नहीं टूटने वाला ब्रेकेबल नहीं है। हाँ, ये आप भी बोल सकते हैं कांच टूट सकता है, लेकिन ये मतलब इतना भी नाजुक नहीं है कि उसको उठा के फेंकेंगे फौरन टूट जाएगा, ठीक है। ऐसी बात है, आप पैक करके भेजेंगे उसको, लेकिन कुछ फ्रेजाइल जो टोटली कांच का आइटम होता है तो वो तो फिर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, वेरिएशंस इसमें हो सकती हैं, देखें डार्क ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है।
अच्छा वेरिएशंस जो है हम मना करते हैं, लेकिन ये देखें अब ये वॉच है, वॉच में आपको पता है कि वॉच में अगर मैं अगर ब्लू पट्टा भी लेता हूँ या ब्लैक भी लेता हूँ पिंक भी लेता हूँ तो मेरे हाथ में तो एडजस्ट हो जाएगा, इसमें किसी साइज का इशू नहीं आना। हाँ ये है कि कलर कस्टमर अगर ब्लैक ऑर्डर करता है और आप उसको डार्क ब्लू भेज देते हैं तो फिर तो ये बात सही नहीं है, फिर तो आपको वो रिटर्न भी आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएशंस में जैसे कि मैंने आपको बताया शूज हो गए, साइज बताया तो आपको पता है कि साइज वगैरह में इशू आता है, तो इस मेरे वेरिएशन से बात यह है। हाँ अगर आप इसमें टोटली एक कलर रखेंगे तो आपके लिए आसानी नहीं है कि कस्टमर को कोई मौका ही नहीं मिलेगा इसको वापस करने का। ठीक है, लेकिन इसने डाले में तो ठीक है, इतने को इसमें हम इतना कोई इतना बड़ी बात नहीं है तो आप इसमें वेरिएशन रख सकते हैं, लेकिन कम से कम वेरिएशन रखे तो उतना अच्छा है। ठीक है, आप इसमें देखें इसने ब्लू डार्क ब्लू ब्लैक पिंक ये होगी। अब हमें ये समझ में आ गया, इसका हमने रिव्यू भी चेक कर लिया, मैं आपको बताया था कि रिव्यू जाके आप अच्छे रिव्यू है वो आप चेक कर लें, उसके बाद अच्छे रिव्यू चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बड़ा स्टार लिखा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इस समझ में आ जाएगा कि बहुत ही बेकार वॉच है, देखने कुछ भेजा कुछ है बहुत ख़राब, नहीं लेना, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पढ़ के आइडिया हो जाएगा। और बाकी कस्टमर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं अगर इसमें शो हो रहा हो, नहीं यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग के, हम लोग ने अपनी प्रोडक्ट वगैरह देख ली, अब आपने दरास प्रॉफिट कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, आपने हिसाब करना है कि प्रोडक्ट मुझे कितने की मिल रही है, मैं कितने की सेल करूंगा और मुझे इसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैंने चार चीज़ें लिखी हुई हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर के लिए। पहली तो होगी एक्सटेंशन, जो मैंने आपको तीन एक्सटेंशन बताई थी दराज की, एक तो जारवेस रेन हैंड सेलेक्ट डैश, ठीक है, इसके जरिए भी आप जो है वो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, दराज कितना कमीशन वगैरह इस पर चार्ज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये कि आप एक्सेल की शीट बना के फॉर्मूला टाइप करके वो उससे भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो इस पर आपको दराज का प्रॉफिट निकाल के दे देती हैं आपको, और सेम आपका प्ले स्टोर आपका सेल फोन है उसमें आप जाके प्ले स्टोर में जाएँ वहाँ पर सर्च करें दराज प्रॉफिट कैलकुलेशन ऐप्स वगैरह जो भी आप सर्च करना चाह करें तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सेल और एक्सटेंशन, तो आप लोग के पास डेस्कटॉप पर एक्सटेंशन होंगी तो उससे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें मैंने ये ज़ियोन हंड एक्सटेंशन की हुई है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है कौन सी एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दे देगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे पहले समझने की बात ये है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे देख पाऊँ, अगर मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ देख लेता हूँ दराज, आप गूगल पे आकर लिख सकते हैं दराज COMI दराज कमीशन स्ट्रक्चर या शीट, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये पहला लिंक आ गया, इसको खोल लेते हैं, अब देखते हैं कि हमें कौन सा टैप शो करता है ये। ठीक है, तो जब तक कि हम वीडियो पे आते हैं, ठीक है, अच्छा अब दराज जो है इस प्रोडक्ट पे कमीशन चार्ज कर रहा है 4.5%, ये लिखा आ गया। ठीक है, अब इसमें काफ़ी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, पहले आप लोग समझ लें, एक मरतबा सुन लें फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एंड में क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से सिर्फ दराज जो है वो कमीशन फीस चार्ज नहीं करता है, इसके अलावा की भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है दराज में मसला ये होता है कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम मिलता है हमें। अच्छा, अब पेमेंट हैंडलिंग फीस भी दराज चार्ज करता है, शिपिंग हैंडलिंग फीस भी चार्ज करता है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट ये भी चार्ज करता है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या हैं सारी, ये मैं आपको भी समझाता हूँ थोड़ी देर में, वैट चार्जेस करता है। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर उसने खोल दिया है, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा तब समझ नहीं आएगा, पहले दराज का ये कमीशन स्ट्रक्चर खुल जाए। आपके सिलेक्ट डैश में भी जो है जाके आपको अकाउंट्स में जाके सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी जो है वो दराज कमीशन स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। मैं एक्सेल की शीट लेके चला जाता हूँ तो आप लोग को उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेल की शीट खोल के रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पहले, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, दराज पे जो होता है वो सेलिंग प्राइस, ठीक है, अजीम कर लें कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 1860 है, आप 1860 का जो है वो दराज पर सेल कर रहे हैं आइटम। ठीक है, अब ये मैंने लिखा हुआ डिस्काउंट, अगर आप किसी सेलर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो गुड, वरना छोड़ दें। ठीक है, अब फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी 1860, हम इतनी की जो है वो प्रोडक्ट दराज पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज कमीशन होता है दराज का, मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, यानी कि जो भी नीच में आप जा रहे हैं उस नीच पर दराज जो है वो चार्ज करता है कमीशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कमीशन चार्ज करता है दराज वो हेल्थ एंड ब्यूटी पर करता है, 18 से 20% वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोग दिखाना चाह रहा हूँ, ये खुल जाए तो आप लोगों को समझाने में काफ़ी आसानी रहेगी। मार्केट प्लेस कमीशन स्ट्रक्चर ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कोई भी नीच आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दराज कौन सी कैटेगरीज में कितना कमीशन चार्ज करता है, तो आपको उसमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस नीच में काम करना चाहिए नहीं। अब ये आ जाइए, देखें ये शीट आपकी आ चुकी है, ये देखें बैग्स एंड ट्रैवल में यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, 5 और कमीशन यहाँ लिखा हुआ है।
ठीक है, आप जितना आप डीप में जाते जाएंगे उसके लिहाज से उसने चार्ज किया हुआ है। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ, सबसे ज़्यादा जो यहाँ 15% चार्ज कर रहा है वो कैमरा, कैमराज के नीचे में आप जाते हैं तो 50% आपसे वो दराज दराज जो है वो चार्ज करेगा कमीशन, ठीक है। यानी कि अगर आप 1000 रुपये की चीज़ सेल कर रहे हैं तो 50% उसका दराज आपसे लेगा, ठीक है। लैपटॉप 12% चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आ जाएँ कंप्यूटर एंड लैपटॉप पर 13% वो चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पर और आए नीचे नीचे सबसे नीचे आते हैं, सबसे ज़्यादा जो जो चार्ज कर रहा है दराज उससे देखेंगे आगे 16% चार्ज कर रहा है फैशंस में, क्लॉथिंग में चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने सोच समझ के जाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो फैशन में चार्ज कर रहे हैं, और हम और नीचे आके चेक करिए पूरा कमीशन जो आप लोग दिखा रहा हूँ, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। किचन कैटेगरी में आ जाए तो इसमें 13% है, कुछ में 14% है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये पूरा आप देख लें, मैं पूरा नीचे तक आ गया हूँ, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखें वॉचेस सनग्लासेस ज्वेलरी 17% चार्ज कर रहा है, 18% चार्ज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ थी एक हेल्थ हेल्थ एंड फिटनेस 5% चार्ज कर रहा है, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस, डेंटल हेल्थ, बेबी हेल्थ केयर में 8% चार्ज कर रहा है, ठीक है। मैं हेल्थ एंड ब्यूटी दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें ये आ गई हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी पे, ठीक है। ये देखें सबसे ज़्यादा ये चार्ज कर रहा है 12% चार्ज कर रहा है, किसी में 13% चार्ज कर रहा है, किसी में 8% चार्ज कर रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, सब कैटेगरीज में भी जाके हेल्थ एंड ब्यूटी जो है वो फीमेल में भी आती है, मैन में भी आती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्या है, तो ये आप शक्शर देख लें तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। आप आ जाए अपने ऐसे शीट पर, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैटेगरी वाइज कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कर रहे कि इस जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसका 16.5% वो दराज आपको चार्ज करेगा, ठीक है। अब वेट किया है वैल्यू एडेड टैक्स, आप इस कमीशन पर टैक्स भी वो चार्ज करता है, आप फर्स्ट करें 1860 का 16.5% जो है वो आपसे चार्ज करेगा। आप कमीशन अमाउंट क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब इसको हमने कर लिया परसेंटेज पे, इस पर फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए हैं, ठीक है। आप इस पर F2 प्रेस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो इसकी अमाउंट आ गई, ठीक है। अब वैट अमाउंट ऑन कमीशन, अच्छा अब कमीशन क्या होता है, वेट अमाउंट कमीशन, अब ये होता है सूबे के हिसाब से। अब सिंध का 13% है, पंजाब का 16% है, KPK का है 15%, ठीक है। अब ये आप करंट देख लें क्या चल रहा है तो उसके लिहाज से ये होता है। अगर आप पंजाब में तो पंजाब का 15% लगा लें, सिंध में तो 13% लगा लें, 16% सॉरी पंजाब का है, तो ये आप देखते रहे क्या है। तो अब उस पर भी आपने 13% लगाना होता है, जब आप इस पर 13% लगाएंगे तो आप यानी दराज ने आपसे वैट चार्ज किया, उस वैट का पे भी आपके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया है। ये हो गया पेमेंट हैंडलिंग फीस, यानी कि आपके पास जो अमाउंट में दराज जो है वो पैसे भेजेगा उसको वो भी चार्ज करेगा, तो उसके ऊपर भी वैट लगेगा वो, ठीक है। तो सेम यहाँ आ गया, आपके पास पेमेंट हैंडलिंग फीस भी चार्ज करता है। ये क्या होता है, ये होता है कि फर्स्ट करें दराज ने आश्रम से पेमेंट दी, आप उसको सिक्योर करके आपके अकाउंट में भेजने की वो फीस लेता है, चार्ज करता है, ठीक है। यानी बात बात पर वो चार्ज करता है आपसे, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो शिपिंग फी होती है, फिर वैट ऑन शिपिंग फीस, या फर्स्ट का शिपिंग फीस जो है वो 69 है, ठीक है। ये तो कस्टमर पे करता है, लेकिन उससे भी आपसे वो 13% चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब वही आगे सिंध का 13% है, पंजाब का 15% है, जहाँ सिंध है 13% है, जहाँ पंजाब है वो 15% है, ठीक है। अब इस तरीके से आप फाइनल स्टेप पर आएंगे, फिर आइटम हैंडलिंग फीस, हैंडलिंग फीस भी वो चार्ज करता है, COD तो 50 रुपये कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अपडेट होती रहती हैं, तो ये आपने जो करंट जब आप काम करेंगे तो आपको अच्छे से आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल पेमेंट क्या आ गया मेरे पास, कर करा के 144 इस तरीके से मेरे पास आ गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट होलसेल प्राइस के, आपसे होलसेल प्राइस के हमें 1650 मिल रहा है, ठीक है। अब डिलीवरी 0, पैकेजिंग कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, 10 आ रही है, 20 आ रही है, वो आपने ऐड करना है। प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आ रही है, शिपिंग अगर आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो आप लिखें, इसके अलावा जो भी आपका है एक्सेंट बैड, जो भी आप एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंस लिखना चाहें लिखें, तब जाके फिर आपके पास प्रॉफिट में आएगा, क्या प्रॉफिट में लॉस में, या लिखा हुआ है अज्यूम किया है -263 पर आप लॉस पर जा रहे हैं, तो माइनस का मतलब यह है आप लॉस पर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो ये आपको मोटा मोटा समझाया, यहाँ पे आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज कमीशन अपने से चार्ज करते हैं, ठीक है। कमीशन अमाउंट जो डिटेक्ट किया जाए, ठीक है, तो ये आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक टैक्स की शीट पर मैंने आपको समझाया है, प्रोविजन टैक्सेस ये हो गए, कमीशन लिस्ट मैंने आपको लोगों को दिखा दी है, ठीक है। यहाँ लिख के रखी हुई थी, ये पहले की है या ओल्ड हो चुकी है, तो इसी तरीके से आप मैंने एक प्रोडक्ट का हिसाब निकाला था तो मेरे पास ये इस तरीके से प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आप जब आप ये अभी आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, जब आप फर्स्ट टाइम ये करेंगे, एक प्रोडक्ट का ऑर्डर वगैरह आएगा करेंगे, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक्सेल का, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप अज्यूम कर लेंगे दराज कमीशन चार्ज कर रहे हैं 4.5% चार्ज कर रहे हैं, पेमेंट हैंडलिंग फीस ये चार्ज कर रहा है, शिपिंग हैंडलिंग फीस ये चार्ज कर रहा है, रजिस्ट्रिंग प्राइस आपने ये डाली हुई है, वेट इस पर आपको ये चार्ज कर रहा है, डिलीवरी चार्जेस ये है, सोर्सिंग प्राइस क्या, अज्यूम कर लें कि आपने वॉच ली है, अज्यूम कर लेते हैं आपने 900 रुपये की ली है, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है, 0, वेट, दराज, नेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन क्या है,
ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस 20 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट डाल दी हमने, ठीक है। आप इसको हम अगर कैलकुलेट प्रॉफिट पे करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपको 603.55 पर प्रॉफिट आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेटर है, इसको आप आराम से अपना जो है वो प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है कैलकुलेटर हो गया आपका। इसी तरीके से अगर मैं देख लेता हूँ कि सेलर डैश में इसको लॉग इन करना पड़ेगा, देख लेता हूँ कि सेलर डैश वाले जो है वो ये फ्री में कैलकुलेटर दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। सिंपल आप इस प्रोडक्ट पर आएंगे, 74 रुपये की सेल का, तो पता नहीं इसको होलसेल आइटम कितने का मिल रहा होगा। चेक करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर, क्या प्रॉफिट आ रहा होगा इसको। अजीम कर लेते हैं इसको, ये आइटम अगर 20 रुपये का मिल रहा है तो क्या प्रॉफिट आ रहा होगा इसको, 22 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अभी मेरे घर से खुद मैन्युफैक्चर होगा, ये डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा होगा, या इसकी अपनी आइटम होगा ये बना रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा हिसाब निकाल लेगा। इस पर 4% कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। पेमेंट हैंडलिंग फीस जो है 1.75 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, हैंडलिंग फीस 7 रुपये चार्ज कर रहा है। लिस्टिंग इसने 74 रुपये की लिस्टिंग की, यानी कि 74 रुपये में कस्टमर को बेच रहा है, इसका 13% दराज चार्ज कर रहा है। डिलीवरी चार्जेस जो है वो कस्टमर पे करता है, ठीक है। सोर्सिंग प्राइस आपकी 20 रुपये है, तो वेट चार्जेस यहाँ आ रहे हैं, दराज चार्जेस यहाँ लिखे हुआ है, नेट ये आ रहा है आपका, रिटर्न ROI, ठीक है। ROI आपका इसमें इतना आ रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन 30% आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन कम से कम जो है आपको 30% तो होना चाहिए, 30% तो कम से कम होना चाहिए, अगर बहुत बहुत जाके 20% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20% भी कुछ नहीं है, लेकिन दराज पर अगर 20% मिलना पड़ा नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा अच्छा है। 50% तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 20 से 30% जो है आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, सैन में गूगल करते हैं, देखते हैं आपको ज़ियोन हंट तो आपको दे रहा है, आप इस पर आराम से जाकर चेक कर सकते हैं आपका प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास इसका पेड मार्जिन नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा इसमें दे रहा ही दे रहा। खैर, तो ये हो गया आपका इस तरीके से जो है वो दराज प्रॉफिट कैलकुलेटर से जो है वो अपना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा एक और प्रोडक्ट, ये तो हो गया कन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमने कम वेट का देख लिया, मीडियम रेंज का देख लिया, हमने 3000 के दरमियान का रेंज का देख लिया, ठीक है, उससे कम का देख लिया। अब हम देख लेते हैं 3000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट का, ठीक है। अब प्रॉफिट कैलकुलेटर इसका चेक कर लेते हैं कि ये सेलर जो है वो क्या प्रॉफिट कमा रहा होगा या नहीं कमा रहा होगा। अब ये दराज पर सेल कर रहा है, 4399 की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। दराज कमीशन चार्ज कर रहा है 5.4, ठीक है। अगर आप इसको मेरे ख्याल से ये 8% चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये एक्सटेंशन ओल्ड भी होती है, लोग अपडेट नहीं करते हैं, तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, मैं आपको गाइड कर लेता हूँ। जैसे कि ये स्पोर्ट्स एंड एक्शन कैमरा पर जा रहा है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके चेक कर लेता हूँ। देखें मैंने किया, ये यहाँ पे आ गया, हाँ बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो ये 5.4 चार्ज कर रहा है, तो बिल्कुल सही आपको दे रहा है ये, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक्सटेंशन अपग्रेड है, इस प्रोडक्ट पे दराज आपको चार्ज कर रहा है 5.4 कमीशन, ठीक है। पेमेंट हैंडलिंग फीस ले रहा है 1.75, शिपिंग हैंडलिंग फीस ले रहा है 50 रुपये, ठीक है। डिलीवरी चार्ज जो है वो कस्टमर पे करता है, डिपेंड करता है, अगर आपने फ्री शिपिंग लगाई हुई है तो आप फ्री शिपिंग भी इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। सोर्सिंग प्राइस क्या ले रहे हैं आप, ठीक है, सोर्सिंग प्राइस अज्यूम कर लेते हैं इसको ये पड़ जाएगी 2000 रुपये की, ठीक है। और एक्स्ट्रा चार्जेस में क्या आ गया आपको अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 10 रुपये प्रिंटिंग के हो गए, आपके 10 रुपये फ्लायर्स के हो गए, और दराज हफ्ते ड्रॉप करने जा रहे थे तो 30 रुपये लगा लिए फ्यूल के, तो 50 रुपये आपको ये पड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसने यहाँ पर लिखे, अगर आप आई पे लेके आएंगे, यहाँ लिखा भी आ रहा था वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स वैट चार्ज ऑन दराज कमीशन डिलीवरी चार्जेस एंड पेमेंट हैंडलिंग फीस, ठीक है। तीनों का बैट लगा के आपको यहाँ पर समझ दे रहा है अमाउंट, यानी कि कमीशन हैंडलिंग फीस और डिलीवरी चार्जेस का बैट लगा के आपको यहाँ दे रहा है टोटल। अब दराज के चार्जेस क्या हैं, द वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कमीशन फीस आर दराज फॉर कैलकुलेशन सेल्स एज वेल एज पेमेंट हैंडलिंग, ठीक है। यानी कि पेमेंट हैंडलिंग फीस और यानी कि ये जो सेल कर रहा है ये आइटम, इस पर जो हैंडलिंग कमीशन फीस चार्ज कर रहा है, इसका ये अमाउंट आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें नेट में क्या रहा है, द नेट वैल्यू इज द अमाउंट दैट रिमेन आफ्टर कॉल एसोसिएट विद द दराज प्लेटफॉर्म हैव बीन डिडक्ट, ठीक है। अब सारा चीज़ें निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो बोल रहा है आपको ये आ रहा है नेट, ठीक है। अब ROI क्या है आपका ये, और मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन क्या है प्रॉफिट, अब हम इस पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये आ रहा है टोटल जाके, अगर ये सोर्सिंग पर 2000 की कर रहा है तो फिर जाके हमारे पास ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सेप्शन, ये हो गया एक्सेल शीट, ये हो गया, ठीक है। इससे आप लोग फंड कर लेंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है, और यहाँ पे जो है इस वीडियो का मकसद जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। मैंने आप लोग बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बाय एक्सटेंशन से होती है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, बाय एक्सेल में आप फॉर्मूला लगा के अपनी शीट बना के कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर चार्ज कर सकते हैं, दराज की एप्लीकेशन वगैरह आती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जाकर देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक के जो है वो आप लोगों को मेन चीज़ें थी ये तीन, ठीक है। यूँ समझ लें कि आपको जो है ऑलमोस्ट हंटिंग
80-90% जो है आपकी हंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये तीन मुर्गी देखने के बाद जो है आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। बाकी ये जो है ये है एक्स्ट्रा सोर्सेस, यानी कि अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको यहाँ पे जो है सर्च करने से भी नहीं मिलती, यानी कि आप अगर रैंडम समय सर्च करेंगे तो आप ढूंढते रहेंगे काफ़ी टाइम लगा के, एक दो घंटे में जाकर फिर आपको कोई एक प्रोडक्ट मिल सकती है। लेकिन फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, ऑनलाइन नेट्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये फ़ायदा होता है कि जो आइटम ट्रेंडिंग में चल रहा होता है या आपकी नज़रों से दूर होता है वो आप लोगों को यहाँ मिल जाता है, तो आप लोगों का इसमें टाइम सेफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन वीडियो आप लोगों ने मेरी देख ली तो आप लोगों को हंटिंग समझ लगे आप हंटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके अलावा ये है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, ठीक है, ये नहीं समझ लगे 90% हो गया, बाकी 10% रह गया। अब ये जो तीन वीडियो आएंगी यानी 3-4 वीडियो आएंगी वो शॉर्ट वीडियो होंगी, इतनी लंबी नहीं होगी। तो मेन हंटिंग मेथड हमारा यही था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बात ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।